साल में आई थी जिम। अच्छा मसल कैसे डेवलप कर सकते आज हम वो वर्कआउट करेंगे। जरूरी नहीं भाई लोग कि आप बड़े बड़े महंगे महंगे जिम लगाएंगे तो आपका मसल अच्छा बढ़े। भाई लोग मैंने नल का पाइप बोला है तो नल का लोखंड का पाइप भी पकड़ना, नहीं तो ड्रेनेज का पाइप पकड़ लोगे। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसका बहुत लोगों को डाउट भी होता है, जब हम मार रहे तो पीछे के बाजू में बार लेके पीछे के बाजू में झुकना है कि हमेशा। यहाँ बातें हमेशा 2-3 साल की होगी, 2-3 दिन या 2-3 महीने की नहीं होगी भाई। 2-3 महीने में बॉडी नहीं बनती। तो उनकी हेल्प ले लो, उनसे हीरो नहीं बनना चाहना। देखो हीरो बनने के चक्कर में उनका दांत तोड़ के लोगे और गर्लफ्रेंड और बीवी दोनों छोड़ दोगे, ठीक है? अभी एक सीक्रेट क्रैक करने वाला हूँ। नमस्ते मेरे सभी भाइयों को। आपने मेरा स्टाइल वाला बैग तो देखा ही रहेगा। अगर आपको ऐसे ही शाइनिंग मार के बैग बड़ा करना है, मतलब वाइड करना है, जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलेंगे लैटिसिमल डॉर्सी, और जिसका लोकल वर्ड है विंग्स, मतलब आप विंग्स बढ़ा के ऐसे ऐसे उड़ सकते हो, कॉलेज में ऐसे चल सकते हो, ठीक है? अगर आपको बड़ा करना है तो आपको कैसे वर्कआउट करना है, और ये चीज मेनली ये सीरीज जो चलने वाली है, ये लैट मसल आप एक लोकल जिम में, मतलब लो बजट जिम में, अगर हाईफाई जिम नहीं लगा सकते और ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है वो जिम में, और एक लो बजट जिम है, तो उसमें भी आप बिना एक्सक्यूज दिए कैसे अपने लैट को बढ़ा सकते हैं, वो वर्कआउट्स में आपको ये पूरी सीरीज में, और आज मेनली बैक बताने वाला हूँ कैसे करना है। चलो शुरू करते। आज हम बैक का वीडियो करेंगे, बैक का वर्कआउट करेंगे। तो आपको मैं आज ऐसे वर्कआउट बताऊंगा जो बिगिनर्स लेवल पे भी नहीं है और एडवांस लेवल पे भी नहीं है, बेसिक इंटरमीडिएट लेवल पे, जो मतलब आपके जिम में अगर इक्विपमेंट्स कम है, लोग रीजन देते हैं कि मेरे जिम में इक्विपमेंट नहीं है, मैं एक सादे जिम में वर्कआउट करता हूँ, इसके लिए मेरा बॉडी का डेवलपमेंट वो लेवल से नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जिम में इक्विपमेंट्स भी नहीं है तो भी आप एक अच्छा मसल कैसे डेवलप कर सकते हैं, आज हम वो वर्कआउट करेंगे। चलो आ जाओ देखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं भाई लोग कि आप बड़े बड़े महंगे महंगे जिम लगाएंगे तो आपका मसल अच्छा बढ़ेगा। आप 20 रुपये वाले महीने जिम में भी वर्कआउट करके मसल बढ़ा सकते हो, और 5,000 रुपये पर डे के जिम में भी आप मसल नहीं बढ़ा सकते। आपको सिर्फ यही करना है कि वर्कआउट अच्छे से करना है, फुल इंटेंसिटी के साथ, फुल इंटेंसिटी के साथ। तो चलो आ जाओ मेरे साथ, बनता है लोग वर्कआउट करते। पहला वार्म अप सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं पुलअप से। इसके हम करेंगे 3 से 4 सेट, 10-10, 15-15 रेप, जितना आपको जाए आपके कैपेसिटी के हिसाब से उतना। तो हम 5 सेट परफॉर्म करेंगे। मैं आपको हर वर्कआउट के एक लाइट सेट और एक हैवी सेट, दोनों सेट परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लाइट सेट आपको फॉर्म सिखाने के लिए, और हैवी सेट खुद की इज्जत बचाने के लिए, नहीं तो लोग बोलेंगे इतनी बड़ी बॉडी रखे इतना लाइट वर्कआउट कर, ठीक है? तो एक लाइट सेट में आपको मैं वेरिएशन दिखाऊंगा अलग अलग, पर लाइट और हैवी दोनों वर्कआउट कर दूंगा। चलो इसके करना है 5 सेट। मैं आपको एक सेट करके दिखाता हूँ किस तरह से करना है। लाइट मारो या हैवी मारो, आपका वर्कआउट फॉर्म और रेंज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हैवी उठा लिया और कैसा भी हग रहे हो, मतलब कैसा भी घस रहे हो, वो नहीं चलेगा। प्रॉपर फॉर्म में आपको सब वर्कआउट परफॉर्म करना। देखना मैं कितना भी हैवी मारूँ, मेरा फॉर्म देखना कैसे प्रॉपर रहेगा। मैं उतना ही वेट लूंगा जो मैं फॉर्म में मार सकूँ, उससे ज़्यादा वेट लूंगा ही। और एक बात, हाँ, बैक मारते समय हमेशा याद रखो ये स्ट्रैप्स का इस्तेमाल हमेशा करना। मैं आपको बाद में तरीका भी बताऊंगा स्ट्रैप्स को कैसे बार पे लगाते हैं, उसका तरीका भी बताऊंगा। क्विज 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 इस तरह से ये मूवमेंट में, ये रेट में आपको 4 से 5 सेट परफॉर्म करना है। अगर आपको 10-10 रेप जा रहे तो 50 रेप मारो, अगर आपको 15-15 रेप जा रहे तो 100 रेप मारोगे तो भी चलेगा। जितना बॉडी वेट आप खींचोगे उतना आपका बैक वाइड होगा। ये पुलअप्स की मशीन है, हर जिम में अवेलेबल रहती है। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि मेरे जिम में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आप दीवार वीवाल को पकड़ के
नल के पाइप को पकड़ के भी कर सकते हो जो हम बचपन में किया करते थे भाई लोग। मैंने नल का पाइप बोला है तो नल का लोखंड का पाइप ही पकड़ना, नहीं तो ड्रेनेज का पाइप पकड़ लोगे और उल्टा कार्यक्रम हो जाएगा। क्या बोलते हो, पीला कमल बन जाओगे भाई लोग। एक बात, या बहन लोग, भाई लोग बहन लोग, जो भी लड़कियां भी अगर मुझे फॉलो कर रही, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको बैक का डेवलपमेंट करना है तो आपको ये स्ट्रैप्स यूज करना ही है, वरना आपका फोरम डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा पर बैक की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ग्रिप आपका प्रॉपर होल्ड नहीं होगा और ग्रिप ना होल्ड होने की वजह से आपका फोरम मसल ज़्यादा स्टिफ वर्क हो जाएगा, ना ही कि बैक। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए मेरा बैक का डेवलपमेंट नहीं था, मैंने लॉकडाउन में सीखा है। सोचो, इतना अच्छा लेवल का प्लेयर, स्टेट गोल्ड मेडल, नेशनल गोल्ड मेडल होने के बावजूद भी मैंने स्ट्रैप्स का ऐसा बांधते। अभी कुछ बच्चे लोग बोलेंगे हमको तो बचपन से आता था, ठीक है मुझे नहीं आता था एक्सेप्ट, पर अभी भी बहुत सी चीज़ें जो मुझे नहीं आती। बॉडी बिल्डिंग एक जर्नी है बहुत बड़ी, हर साल कुछ तो नया सीखने मिलता है, तो मुझे स्ट्रैप बांधना लॉकडाउन में, और जब से मुझे स्ट्रैप बांधना आया मेरी बैक का थिकनेस विथ और बढ़ गया। मैं आपको फोटोज में चेंजेस दिखाऊंगा, तीन साल के भी, छः साल के भी मेरा बैक का डेवलपमेंट कैसा हुआ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं उसमें सिखाने वाला हूँ, एंड में भी या बीच में भी सस्पेंस क्रिएट कर दूंगा। कभी भी वीडियो को स्लो स्लो मूवमेंट में देखना और मैं उसमें बताऊंगा आपको ये स्ट्रैप्स कैसे बांध। चलो अभी हम परफॉर्म करेंगे बारबेल रोज, लाइट और हैवी दोनों करके दिखाऊंगा। लाइट आपको फॉर्म करके दिखाऊंगा और हैवी मैं खुद मारूंगा, उसमें कुछ सिखाऊंगा। वर्कआउट्स तो आपने बहुत देखे रहेंगे, सबको पता है बैक कैसे मारते, फिर भी मैं छोटी छोटी इंटरमीडिएट, एडवांस और बेसिक सब लेवल के लोगों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगा जो वो गलती करते हैं। मुझे पता है एडवांस एथलीट भी आते हैं हमारे जिम में मेरे पास प्रेप को, तो मैं 10 साल में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ सिखाऊँ, जैसे कि लॉक डालना, स्ट्रैप्स का बताऊंगा, ये लॉक डालना। कभी भी बैक मारते टाइम ये लॉक का यूज जरूर करें, कुछ भी मारते टाइम, क्योंकि ये लॉक अगर नहीं यूज़ कर रहे आप तो आपका प्लेट सरक सरक के अनबैलेंस हो जाएगा और हो सकता है इंजरी हो या बाजू वाले का टकला फूट जाए, वो आपको मारे पकड़ के। पहली छोटी चीज़ है स्ट्रैप, दूसरी छोटी चीज़ है लॉक, तीसरी छोटी चीज़ है सेफ्टी बेल्ट। बेसिक पहले सेट से सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करो जब आप बेंड ओवर बारबेल रोज कर रहे हो तब, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको फॉर्म कैसा करते। अभी बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रिप कहाँ पकड़ना, कोई यहाँ तक बोलता है, कोई यहाँ बोलता है। आपको ग्रिप शोल्डर लाइन से, मेरे हिसाब से, नहीं तो आप बोलोगे ये ऐसा बोलता है, मेरे हिसाब से मैं ये ग्रिप शोल्डर लाइन से स्ट्रेट हाथ करता हूँ और ऐसा पकड़ता हूँ। बार पे, हर बार पे लाइन रहती है, ये लाइन के बीच में खड़े रहो, अपना जो सामान है वो लाइन के लाइन पे आन दो और इसको शोल्डर लाइन में पकड़ो ऐसा, ठीक है। और स्ट्रैप्स तो बांधना बाद में सिखाऊंगा, अभी बताता हूँ फॉर्म कैसा करो, कैसा सेट ये, कैसा फॉर्म में परफॉर्म करना। ये पकड़ा आपने ग्रिप, ये उठाया बार, ठीक है, पीछे लिया पैर, स्ट्रेट बैक आर्च किया, नीचे बेंड हुए, बेंड 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 बेंड, कितना बेंड होना है, नीचे 90 डिग्री नहीं, पूरा स्ट्रेट नहीं, ये 45 डिग्री, ठीक है। वन, ये अंदर पेट को टच करना, टू थ्री, और बैक को स्क्वीज, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन या ओ। अभी बहुत से लोगों को इसमें ये कंफ्यूजन होगा कि हम ग्रिप कौन सा लें। देखो ये तो आपका कोच ही बताएगा आपको, या आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके बैक में बहुत सारे मसल्स हैं, उसमें से आपका कौन सा मसल वीक है। मैं पहले 3 साल ये ग्रिप पकड़ के मारता था, इसको बोलते हैं प्रोन ग्रिप, मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा। मैं पहले ये ग्रिप पकड़ के मारता था प्रोन ग्रिप, तो इससे अपर लैट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, वो हो गया मेरा। बाद में मैंने ये देखा कि मेरा लोअर लैट बहुत वीक है अपर के मुकाबले, तब मैंने 3 साल से सुपरनेटेड ग्रिप स्टार्ट किया मारने को, तो अब मेरा लोअर लैट का डेवलपमेंट अच्छा हो गया। तो मैं सुपरनेटेड ग्रिप में ही दिखाऊंगा आपको, आप देखो आपको किस ग्रिप पे वर्कआउट करना है आपके मसल के हिसाब से।
अब मैं परफॉर्म करूंगा हैवी सेट, वो सिर्फ देखना, फॉर्म देखना, ये देखना कि मैं हैवी और लाइट दोनों पे सेम मूवमेंट सेम फॉर्म यूज कर रहा हूँ, रैप कम होंगे, फॉर्म और रेंज कम नहीं होगा। चलो मैं आपको बीच बीच में छोटी छोटी चीज जैसे जैसे मुझे लगे वो बताते जाऊंगा। एक और छोटी चीज मुझे याद आई जो आपको बतानी चाहिए, क्या जब आप बार बार रोज परफॉर्म करोगे तो ग्रिप तो कैसा पकड़ना है मैंने आपको बता दिया, शोल्डर लाइन से स्ट्रेट या थोड़ा सा बाहर, अंदर तो पकड़ना ही नहीं, बाइसेप एक्टिवेट हो जाएगा, शोल्डर लाइन से स्ट्रेट या थोड़ा सा बाहर, ठीक है। आपको झुकना इतना है 45 डिग्री और बार कितना नीचे छोड़ना है ये मुझे लगा कि आपको बताओ, ये घुटने से थोड़ा नीचे स्क्वीज, टच पूरा पेट को और घुटने से थोड़ा नीचे, और इसमें आपकी कमर की 3-5% मूवमेंट होगी चलेगी, मतलब देखो ऐसे घुटने से थोड़ा नीचे स्क्वीज, घुटने से थोड़ा नीचे स्क्वीज, एकदम ऐसा ऐसा बैक को नहीं हिलाना, थोड़ा सा हिला सकते हो, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट मेन सेट का फाइनल सेट है जो मैंने जैसे कि आपको बोला था इज्जत बचाने के लिए मार रहा हूँ। हाँ मस्ती साइड में रखो, पहले फॉर्म देखो, हैवी है और फॉर्म देखना मेरा, मैं इससे भी हैवी जा सकता हूँ पर मेरे बैक में थोड़ा स्पैजम है, तो मैं यही वेट पे आपको फॉर्म में मार के दिखाऊंगा, फॉर्म चेक करना, अगर मिस होता हो तो भाई लोग करेक्ट कर देना मुझे कमेंट में, अगर मेरा फॉर्म जरा भी गलत होता है तो मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। भवानी जय बजरंगबली जय वीर हनुमान, चल भाई खींच। इज्जत बच गई, कुछ हुआ क्या, गलत हुआ क्या, नहीं होगा भाई, साना बनने वाला सेट मारता ही नहीं, मेरे सामने बच्चे लोग भी हैवी मारे ना, मैं नहीं जा रहा रहेगा तो नहीं मारता मुझे, इसलिए आज तक इंजरी फ्री वर्कआउट कर रहा हूँ। आज सुबह जो डेढ़ साने आए थे जिम, शूज पहन के आया था, ट्रायल लेने आया, वो बोलता दो जन थे साल साल का एडमिशन लेने वाले, ट्रायल लेने वाला, बाहर का शूज डाल के आया, मैं उसको बोला भाई शूज निकाल, तो बोलता शूज नहीं निकालूंगा, गणेश ने बोला पहले ट्रेनर ने अपने शूज निकाल, सुना नहीं उसका, मैं बोला सर शूज नहीं चलेगा इधर, हनुमान जी की मूर्ति है और ये हमारा मंदिर है, नहीं चलेगा, तो निकल गया सारे ऐसे सारा, बोला निकल, बाकी पैसा जरूरी नहीं अपने को, जिनकी रिस्पेक्ट नहीं तो क्या फायदा, इधर आएगा पेट लेके साला चिपका, रिजल्ट भी नहीं आएगा, किस चीज की रिस्पेक्ट नहीं है, साले ओल्ड स्कूल वाले अच्छे थे हम लोग, पेड़ वेर पढ़ते थे जिम का, गुरु जी का सर का, ये हरमखोर लोग आते हैं चुपके रुबाब दिखा के जाते, ये क्या वर्कआउट करेंगे जिम, पैसा जरूरी नहीं, चीज़ों की रिस्पेक्ट और अपनी जिम की रिस्पेक्ट करना जरूरी, मंदिर है अपना, मंदिर नहीं जाता हूँ जिम ना आता हूँ। हमारा सेकेंड मेन वेरिएशन का फर्स्ट सेट दिखाने जा रहा हूँ जो है डंबल रोइंग। हर एक आदमी के जिम में डंबल रोइंग मार सकते हैं, क्योंकि डंबल सबके जिम में होता है, ठीक है। डंबल रोइंग जिसका मेन है स्ट्रैप, तुम लोग बहुत कमीने हो यार, तुम लोग मुझे पता है स्ट्रैप्स का, अभी बता दूंगा ना, तुम लोग वीडियो एंड तक नहीं देखोगे, फटाफट भगा भगा के देखोगे, वैसे तो मैं कोशिश यही चालू है कि पूरा वीडियो एंटरटेनिंग रहे, पर फिर भी बहुत कमीने हो तुम, लास्ट में ही बताऊंगा मैं स्ट्रैप्स कैसे बनते, ठीक है। चलो तुम छाने हो तो मैं देर छाने हूँ, जो जो एंगल में आपने डंबल रोइंग का रेंज लिया था, मतलब ये 45 डिग्री, उतने ही एंगल में आपको झुकना है, ये सपोर्टेड है इसलिए आप ज्यादा भी झुक सकते हो, ये बेंच को स्ट्रेट भी रख सकते हो, मैं एक ऊपर रखता हूँ जहाँ हम जूट्स रखते हैं चेस्ट के टाइम बैठते, वहां पैर रखता हूँ घुटना, इधर हाथ रखता हूँ, इसको आप स्ट्रेट करके भी मार सकते हो, याद रखो जैसा आपको ठीक लगे, डंबल ऐसा पकड़ना है, हाथ इधर बैक आर्च एंड पूरा ये जो नीचे का पोर्शन है ऊपर पकड़ना, डंबल के ऊपर पकड़ना, डंबल के इधर पकड़ना, नीचे नहीं, ये छोटी छोटी चीज है जो आपको यूट्यूब पे देखने नहीं मिलेगी शायद, ये मेरे रिसर्च है सर, मेरा एक्सपीरियंस है, डंबल को यहाँ पकड़ना
डंबल थोड़ा बेंड, और जो डंबल का नीचे का पोर्शन है जमीन को टच अप, स्क्वीज, टच स्क्वीज, स्लो टच स्क्वीज, सेम आपको दूसरे हाथ का भी परफॉर्म करना। अभी डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको इज्जत बताओ सेट, मतलब हैवी सेट। बेसिक आपको करना है 15, 12, 10 रेप। आप 15, 12, 10 और 8 रेप पे भी जा सकते हैं। आपको सुपर हैवी जाना है तो 4 सेट करिए, नहीं तो 3 सेट भी इनफ है। अब जैसा कि आपको बोला था, इज्जत बचाओ सेट मार रहा हूँ, सिंगल एंड डंबल हुए मेन सेट। जय भवानी। मेरे पास 40 का ही डंबल यार, इससे ज्यादा हैवी रहता तो मैं मारता था। और चलो थोड़ी तो इज्जत बचेगी। चलो काउंटिंग करो तुम लोग। वाचली इज्जत। अभी हमारा थर्ड मेन सेट का फर्स्ट वेरिएशन लाइट में आपको बता रहा हूँ क्या फॉर्म कैसे किया जाता है लैट पुल डाउन का। आप बोलना नहीं भाई लोग क्या लैट पुल डाउन नहीं आपके जी में। अगर लैट पुल डाउन नहीं है तो आप पुलअप्स के और 5 सेट ज्यादा मार सकते हो। अगर लैट पुल डाउन है सबके जिम में होता है। मैं ऐसे ही वर्कआउट बताऊंगा जो एक लोकल जिम में भी जो मशीन होती है। ये जो सीरीज चल रही है ये होम वर्कआउट की सीरीज नहीं है, ये लोकल जिम वर्कआउट की सीरीज है। मतलब ऐसे जिम जो ज्यादा हाई बजट के नहीं होते, नॉर्मल हमारे एरियाज में होते, मंडल टाइप, हमारे पूरे 90s के टाइप में मंडल बोलते थे, उसमें जो जो मशीन होती है। मैंने उस जिमों में भी वर्कआउट किया है 2005-06-07 में, तो वो जिमों में जो इक्विपमेंट्स रहते थे वही वर्कआउट मैं आपको ये जिम में बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। थर्ड वेरिएशन का पहला सेट जो है लैट पुल डाउन, अभी हम इसके 3 सेट परफॉर्म करेंगे, 15 रेप्स, 12 रेप्स और 10-8 रेप्स। थर्ड सेट 10-8 रेप्स करेगा जो कि थोड़ा हैवी रहेगा। 15 रेप्स। चलो इसमें प्रॉपर स्क्वीज करना है आपको, और एंड तक बने रहे ना। अभी तक मैंने आपको बताया नहीं इस रेप्स कैसे बने। वन टू थ्री फोर, स्क्वीज नीचे तक, स्लो, एट नाइन इसमें जो छोटी छोटी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसका बहुत लोगों को डाउट भी होता है, जब हम मार रहे तो पीछे के बाजू में बार लेके पीछे के बाजू में झुकना है कि नहीं झुकना है। देखो झुकना है कि नहीं झुकना है, ये दोनों भी सही सेट है। अगर आप झुक रहे हो तो भी सही है, अगर आप नहीं झुक रहे तो भी सही है। मसल एक्टिवेशन अलग अलग है, जैसे बैंड ओवर रोइंग में ग्रिप्स के मसल एक्टिवेशन अलग है, वैसे इधर भी एक्टिवेशन अलग है। जब आप बार पकड़ के झुकते हो तो थोड़ा सा आपको लोअर लैट एक्टिवेशन भी मिलता है, जब आप स्ट्रेट रह के मारते हो, ठीक है। जैसे आप ऐसा झुक रहे हो तो थोड़ा लोअर लैट एक्टिवेशन मिलता है,
और अगर आप स्ट्रेट लेके मारते हो ऐसा ऐसा तो आपको लैट एक्टिवेशन थोड़ा ज्यादा मिलता है। बस दोनों भी सही है। अभी आप देखो आपका कौन सा मसल वीक है। मैं थोड़ा बेंड होके मारता हूँ क्योंकि मेरे को लोअर लेग डेवलपमेंट करना है, तो अभी से स्टार्ट करूंगा मारना तो 2-3 साल में और अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना ये वीडियो जो मेरे आ रहे इसमें 2-3 महीनों की या 2-3 दिनों की बातें नहीं होगी, या हमेशा 2-3 सालों की बातें होगी। बॉडी बनने को टाइम लगता है भाई, 2-3 महीने में बॉडी नहीं बनती, बहुत टाइम जाता है। धीरे धीरे आप जब मेहनत करते हो तो धीरे धीरे मसल का इम्प्रूवमेंट होता है। कभी कभी कोई मसल ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कोई मसल छोटा रह जाता है। प्रॉपर सिमेट्री मैच करने को मुझे 8 से 9 साल गए, अभी भी कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट लैकिंग है और सिमेट्री मैच कर रहा है। अभी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं 4th मेन वेरिएशन का फर्स्ट सेट, जो कि हम टी बार पे परफॉर्म करते हैं। पर सबके जिम में टी बार नहीं होता है, ये सिर्फ अमीर लोगों के जिम में होता है। गरीब लोगों के जिम में, मतलब मैं भी गरीबी हूँ यार, तो जिम में टी बार जिसके पास नहीं है उसको मैं बताऊंगा बेंच पे कैसे मार सकते हैं टी बार, ये बाद में बताऊंगा कैसे मारते हैं। अगर ये आपके जिम में नहीं है तो डंबल पे कैसे आप मार सकते हैं वेरिएशन, यही वाला वो बता रहा हूं। मैं ले रहा हूं 20 का डंबल, आप अपने हिसाब से ले लेना। इसमें आपको बेल्ट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका बैक को सपोर्ट मिल जाता है। बारबेल रोज में आपको बैक को सपोर्ट नहीं रहता है, ठीक है, झुकने में बैक में तकलीफ होगी, इसमें नहीं होगी। झुक जाओ और स्क्वीज करो, 1 स्क्वीज करते टाइम चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाना कोबरा जैसा, 2 काउंट करो भाई लोग, ओ इसी पे आपको 3 सेट लेना है। मुझे ये वेरिएशन में मुझे स्क्वीज चाहिए, तो मैं सेम डंबल पे 10 से 15 रेप लूंगा। आप इंक्रीज भी कर सकते हो आपका वेट आपके हिसाब से। मुझे स्क्वीज लेना है तो मैं फील करके मारता हूँ थोड़ा। हमारा फिफ्थ और मेन वेरिएशन का फर्स्ट सेट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है बैक एक्सटेंशन। देखो जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं बैक एक्सटेंशन। ये टेबल आता है, बहुत से जिमों में रहता है, बहुत से जिमों में नहीं रहता है। तो जो जिमों में नहीं रहता है आज हम वही सीरीज चला रहे हैं अभी हम, या जो जिम में अच्छे जिमों में, मतलब महंगे जिमों में, मतलब जिसके कॉस्ट ज़्यादा रहते हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोकल जिम्स में वर्कआउट करते हैं। मैं भी किया करता था पहले, जो लोकल जिम्स में वर्कआउट करते हैं और जिनके जिमों में मशीन नहीं होता है वो क्या क्या परफॉर्म कर सकते, यही मैंने आपको आज के वेरिएशन में बताया सब। और आगे भी जो शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप लेग्स तुम्हारा चेस्ट जो भी लोकल जिम्स में हम परफॉर्म कर सकते हैं वही वेरिएशन बताऊंगा आज। तो इसके बदले हम क्या मार सकते हैं, तो हर जिम में ये बैक ये बेंच होता है ऐसा। ये हमारा फिफ्थ वेरिएशन जो है बैक एक्सटेंशन, जो लोअर बैक के मसल को स्ट्रेंथन के लिए काम आता है। तो बिगिनर्स लोगों ने या इंटरमीडिएट लोगों ने ये परफॉर्म करके अपना पोस्चर, अपना बैक, लोअर बैक का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, ठीक है। और इसके बाद आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस लिफ्टर्स के लिए। अगर ये आपका पोस्चर बराबर नहीं आ रहा तो डेडलिफ्ट परफॉर्म डायरेक्ट नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। पहले इसमें अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इसमें ऐसा पैर फंसाओ, अगर कोई है तो उनकी हेल्प ले लो, उनसे हीरो नहीं बनना चाहना। नहीं तो हीरो बनने के चक्कर में खुद का दांत तोड़ के लोगे और गर्लफ्रेंड और बीवी दोनों छोड़ के बनते, ठीक है। इसलिए ऐसा परफॉर्म करना है, ज्यादा नीचे नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, आपको बीच में रेंज में देना, 1, ठीक है, थोड़ा नीचे स्ट्रेट, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और अगर आपको ये इजी जाने लगे तो वेट्स बढ़ाओ, वेट्स होल्ड करो, अगर वो भी हो गया आपका तब आप डेडलिफ्ट पे जा सकते। अभी एक सीक्रेट क्रैक करने वाला हूँ, स्टेप्स कैसे बनते, स्टेप्स को कभी भी ये स्टेप्स, ठीक है, इसके अंदर ऐसा हाथ डाला, ये स्टेप ऐसा आना चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर वे, स्टेप्स ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप्स आना चाहिए ऐसा, तो
तो ये करेक्ट डाला आपने, ये प्लेन, ठीक है, ये डाला, इसको टाइट किया, रिस्ट तक पूरा टाइट करो, दूसरे हाथ का डालो, इसको भी पूरा टाइट करो, ठीक है, ये देखा, चलो अब आज इसके बाद ये है आपका एकदम मेन चीज, आपको समझो आपका बार यहाँ है, ठीक है, आप डेडलिफ्ट मार लो, आपका बार यहाँ है तो आपका हाथ यहाँ रहे, मतलब बार बीच में, ये स्क्रैप्स और हाथ के बीच में बार, ये देखो ऐसा, समझे, और अगर हाथ ऐसा है तो स्क्रैप्स ये साइड, हाथ ये साइड, समझे, पट्टी ये साइड, हाथ ये साइड, हो गया, और उसके बाद ये आपको ऐसा घुमाते टाइट, घुमाते टाइट, आपका ग्रिप इतना टाइट बैठेगा ना कि आपका मसल थक जाएगा पर आपका ग्रिप कभी नहीं छूटेगा, और ये स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस लगी थी, एक आध महीने के बाद ना आप मेरे जैसा फास्ट है स्टेप बांध सकते हो, तो जो भी पूछो आप लैट पुल डाउन भी अगर मार रहे हो, बाइसेप मार रहे हो और आपको स्ट्रैप बांधना है, तो एक बात ये बेसिक चीज है, क्या बार ये सही, स्ट्रैप ये सही, हाथ ये सही, और ये बार बीच में, ये दोनों के बीच में बार, सिंपल, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, देखो हर YouTube के हर वीडियोस में आपको कोई ना कोई बैक कैसे मारना है, मैंने ये वीडियोस में आपको अपना पर्सनल माइन्यूट डिटेल शेयर किया है, छोटी छोटी, जो कि मैंने सीखा हूँ खुद से, YouTube से नहीं, खुद से, कि हाँ ये चीज पर ऐसा परफॉर्म करो तो ये टेंशन मसल पे, मतलब प्रेशर मसल पे ज्यादा आता है, तो ये छोटी छोटी चीज मैंने ही इन्वेंट की है, नाई की चीजर से देखिए, वो आपके साथ मैंने शेयर करना पसंद किया है, मुझे लगा कि मैं ये चीज करता हूँ तो ये चीज आपको भी बताऊ, ये चीज करके देखो अपने वर्कआउट शेड्यूल में, ये छोटी 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 बारीक चीज है जो मैंने आपको गाइड किया, गाइड कर एड करके देखो, और अगर आपको मेरा ये वर्कआउट करके ही ये डिसाइड करना, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, और अभी स्टार्ट में मेरे फॉलोअर्स थोड़े कम है तो एक साइनअप का ऑप्शन आएगा, अगर आपको वो स्किप करना है तो आप यूट्यूब के सर्च में जाके संतोष शुक्ला बॉडी बिल्डर डालोगे तो आपका वो साइनअप स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस और ऐसे एक नंबर वाले वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहो। जय भवानी, जय शिवराय।